फायदा मिलेगा, मध्य प्रदेश को भी फायदा मिलेगा, और इंटरेस्ट फ्री लोन जो 50 साल के लिए दिया जा रहा है, जो राज्य बेहतर काम किएगा, हमने सबसे बेहतर उसका लाभ उठाया है, हम उसका भी लाभ उठाएंगे। पर्यटन स्थलों का विकास करना हो, नए हवाई अड्डे हो या रेलवे का विकास हो, इन सब का लाभ मध्य प्रदेश को भी मिलेगा। अरे वो लोग पकड़ लिए जाते हैं, कहीं समझ में आता है तो तुरंत पकड़ते हैं। अभी डर ऐसा कि एक व्यापक गाइडलाइन अब हमारे पास है, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन बढ़ाए तो हम अपने गरीबों के मकान कैसे ज़्यादा बनाएं, उस पर हम ध्यान देंगे। तो मोटे तौर पर मैं एक एक योजना की बात नहीं करता, इससे मध्य प्रदेश को लाभ मिलेगा और मध्य प्रदेश के बजट बनाते समय हम इन योजनाओं को ध्यान में रखेंगे। देखिए मैं ये मानता हूँ मैडम, और सेकंडली भाई साहब एक और जी, ये जो आपने कोदो कुटकी की बात की, जो मोटे अनाज है, ये मध्य प्रदेश में भी होता है, और ये जो इसका जो एनकरेजमेंट दिया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि इसके इसके लिए एमएसपी का भी अनाउंसमेंट करना चाहिए? पहली चीज तो ये कि भारत में हर वर्ष इलेक्शन ईयर ही है, क्योंकि कोई साल ऐसा नहीं कि जब हमारे देश में चुनाव ना होते हो, एक चुनाव खत्म होता है दूसरे का ढोल बज जाता है। तो अगर हम ये कहें कि इलेक्शन ईयर, तो हमारे यहाँ तो हर ईयर इलेक्शन ही है, लेकिन कोविड के बाद पूरे दुनिया की जो हालत हुई, मैंने बताया रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद भी, उन परिस्थितियों में 50 साल के विकास की बुनियाद रखने वाला बजट केवल ये तात्कालिक नहीं है, लेकिन आपने भी स्वीकार किया और मुझे भी प्रसन्नता है कि इसमें बड़ी राहत जनता को दी गई है, ये हम सब के लिए आनंद का विषय है। जी मिलेट्स को बढ़ावा देंगे, और मध्य प्रदेश में अभी भी मिलेट्स से कई उत्पाद तैयार, आप जानते हैं डिंडोरी में भी बहुत पहले हमने कोदो और कुटकी की प्रोसेसिंग हमारे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से ही करवाना प्रारंभ कर दी थी, तो इसको और प्रोत्साहन मिलेगा, बढ़ावा देंगे। अभी बजट पे बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ। एक एक बोलेंगे तो समझ में आएगा। कमलनाथ जी तो पहले देखिए, कांग्रेस और कमलनाथ जी हताशा से ग्रसित है, इसलिए कुछ ना कुछ तो कहना है। उनके नेताओं के बयान देख लो, अलग अलग, कोई नई बोतल में पुरानी शराब, कोई पुरानी बोतल में नई शराब, इसी तरह के जुमले बोल रहे हैं। अब उस पर मैं क्या कहूँ।